स्कूल की स्थिति ये है कि भैया यहाँ की कोई पूछताछ भी नहीं करता है, नगर नियम के अंदर में कुंड आता है। नगर नियम के सफाई कर्मी जो होते हैं यहाँ साफ सफाई कायदे से करते नहीं है भैया। जब खाली जब पूजा आता है, दुर्गा पूजा आता है, काली पूजा आता है, सरस्वती पूजा आता है, तब नगर नियम के आदमी नियुक्त जागते हैं, इसके पहले कोई नहीं जागता है। और सफाई के मामले में आप चारों तरफा से घूम के देख लीजिए, कहीं आपको सफाई की चीज मिलेगी नहीं। हमारे क्षेत्र के जो पार्षद है राम गोपाल वर्मा जी, वो जो कि नगर नियम में कल बात भी उठाए रहे संसद में, जो संसद के सभासद लोग बैठते हैं उसमें बात भी उठाए थे, उसमें कहे भी थे, तब भी आदमी यहाँ पर एक्टिवेट अभी तक हुआ नहीं। जो भी लोग आते हैं जो पूजा का चालू होता है तभी आते हैं साफ सफाई करने, बस बैठ गया था। बहुत सी हिस्सा बैठी हुई कुंड के, जैसे जर्जर हो गए, कहीं जाके भी आप देख सकते हैं, कई जगह ऐसा लगता है कि जाने में भी डर लगता है कि वहाँ जाएंगे गिर जाएंगे। तो कैसा पानी हो गया ये पानी, तो ऐसा दोषित हो गया कि भैया कि इसमें पानी में एक मिनट आदमी को खड़ा कर दें तो आपको हॉस्पिटल का शक्ल दिखना पड़ेगा। जहरीला दम पानी हो गया, मच्छर भी बढ़ गया। अरे भैया मच्छर तो पूछिए मत, हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पर बैठते हैं उठते हैं, यहाँ आके लोग बैठते हैं, शाम के शाम टाइम में आएंगे तो कम से कम 10-12 लोग बैठे रहते हैं। ऊपर जो मलबा फेंका गया है मूर्ति का, ये तो मूर्ति विसर्जन का मलबा रखा हुआ है भैया, ये टाइम आएगा तो इसका ये भी हट जाएगा।